और अब आपको सीधे सुनाते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। राठौड़ जी, हम सबके बीच में उपस्थित शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय मेयर साहिबा, आदरणीय जिला प्रमुख साहिब, कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय ओंकार सिंह जी लखावत साहब और पंडित दीनदयाल जी की पीढ़ी परंपरा के ध्वजवाहक, उन्हीं की तरह अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय मूलचंद जी सोनी साहब, हम सब के बीच में उपस्थित माननीय माणक जी भाई साहब, कार्यक्रम में पिछले लगभग 4-4.5 घंटे से उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, बंधुओं, बहनों, मैं जब कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रित किया गया था, सामान्यतः किसी कार्यक्रम में कहीं बातचीत करने में मुझे किसी तरह के दबाव का या कहीं झिझक की अनुभूति नहीं होती, लेकिन दीनदयाल जी के जैसे विशाल चरित्र पर, उनके इतने महान कृतित्व पर और उनकी रचना के अनुरूप जिस तरह से आज भारत निर्मित हो रहा है, ऐसी कालजयी व्यक्तित्व के पर बात करना, मैं कुछ मानसिक रूप से दबाव ऐसा महसूस कर रहा था। जब मैंने कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय में स्वर्गीय दीनदयाल जी के स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित किया था, उस कार्यक्रम में वक्ताओं के नाते बात करने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था और मैंने देखा कि कार्यक्रम में माननीय राव राजेंद्र सिंह जी वहां उपस्थित होंगे, तो मेरा दबाव थोड़ा और बढ़ा। जब मैं यहां पहुंचा और कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद में जब मुझे मेरा स्वागत किया गया, हम सब लोग यहां पहुंचे, जो प्रदर्शनी बाहर लगी, उस प्रदर्शनी को देखने से लेकर के जिस घर में श्रद्धेय दीनदयाल जी का आवास रहा, उस घर को सामने जो उनके जीवन की प्रेरक प्रसंगों से जुड़ी भी जो म्यूजियम बनाया गया, उसको शोध केंद्र को दिखाने तक की उस पूरी यात्रा, जब ओंकार सिंह साहब और अन्य मोहनलाल जी छीपा मुझे लेकर के गए, वो लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा का, 45 मिनट का समय। एक पुलिस अधिकारी से मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था कि वो उतनी गहराई के साथ में पंडित जी के जीवन दर्शन से जुड़े हुए सारे पक्ष और उनके जीवन से जुड़े हुए सारे विषयों को इतने मार्मिक शब्दों के साथ में, इतने समृद्ध शब्दों के साथ में जब व्याख्या कर रहे थे, तो मेरा दबाव थोड़ा और बढ़ गया। और उसी कालक्रम में आदरणीय मंजू जी ने, आदरणीय मोहनलाल छीपा साहब ने, आदरणीय कार्यक्रम के अध्यक्ष नरसी जी ने सब कुछ बात की, तब मुझे कुछ शांति हुई कि अब शायद मेरे पास में बहुत अधिक शेष कहने के लिए कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि कार्यक्रम की गरिमा है और मुझे मुख्य वक्ता के नाते बात करने के लिए जो है निर्देश किया गया है, इसलिए मैं कुछ छोटे से विषय, उनके जीवन, उनके दर्शन से जुड़े हुए विषयों पर बातचीत करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और जैसे कहा गया कि 108वीं जन्म जयंती और 108 की संख्या का जो विधान हमारे भारत के दर्शन में किया गया है, मैं उसकी भारतीय मनीषियों ने जिस तरह से व्याख्या की, उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि 108 का अंक क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन निश्चित ही 108वीं जैन जयंती हम सब के लिए आज बहुत प्रेरक प्रसंग भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। और क्योंकि कार्यक्रम ऐसे स्थल पर आयोजित किया गया जो व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन से जुड़ा हुआ विजय स्थल है, जैसा मैंने कहा कि जहां उनके परिश्रम से उपजे स्वेद की बूंदें, जिसने इस धरती को सिंचित किया और जहां उन्होंने उनके विचार, उनके बीजारोपण जहां से हुआ, जीवन की यात्रा जिस स्थान से उन्होंने प्रारंभ की, वो स्थान निश्चित रूप से अत्यंत प्रेरक है। और उस जगह पर जब यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उस कार्यक्रम से उत्सर्जित प्रेरणा निश्चित रूप से अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पंडित दीनदयाल जी के 108वीं जयंती के साथ में आज भारत का समाज, संस्कृति और राजनीति